हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज स्पैरो डे गौरैया दिवस है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आज से करीब 20-25 साल पहले गौरैया का झुंड के झुंड मतलब घूमते थे, नज़र आते थे। लेकिन अब हमारे आधुनिकीकरण से गौरैया अब हमारे यहाँ से समाप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए आज मैं गौरैया के लिए कुछ कर रहा हूँ और क्या करूँगा वो आपको मैं बताऊँगा। पहले गौरैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं, तो ये वीडियो देखिए और गौरैया के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करिए, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने गौरैया के लिए क्या किया। गौरैया पंछी दुनिया में सबसे परिचित और सबसे आम पंछी है। नर और मादा गौरैया को आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा के पास स्ट्रिप के साथ भूरे रंग की पीठ होती है, जबकि नर के पास लाल रंग की पीठ होती है और काली बीब होती है। इनके शरीर का रंग भूरा, काले और सफेद पंखों से ढका होता है। इसके पंख गोल होते हैं। ये पंछी सामाजिक होते हैं, क्योंकि अक्सर वे झुंड में ही रहते हैं। गौरैया सर्वाहारी पंछी है, जो कि मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े खाते हैं और वे बीज, फल और जामुन भी खा सकते हैं। भोजन की निरंतर आपूर्ति के कारण गौरैया आसानी से मानव बस्तियों में जीवन का अनुकूल हो जाती है। ये जीव खाना सीखते हैं जो उन्हें लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये आमतौर पर लगभग 24 मील प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं। आपातकाल के मामले में वे 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। हालांकि इन पंछियों को पानी के पंछी के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन वे शिकारियों से बचने के लिए बहुत तेज गति से तैरते हैं। गौरैया के शिकारी आमतौर पर कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी और सांप होते हैं। नवजात इन शिकारी मांसाहारियों के लिए एक आसान लक्ष्य है। ये पंछी बहुत छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 8 इंच के बीच होती है और इनका वजन लगभग 50 से 200 ग्राम के बीच में हो सकता है। ऐसे छोटे शरीर के साथ वे आसानी से छोटे होल में फिट हो जाते हैं। इनका गोल पंखों के साथ एक मोटा शरीर होता है। इनका शरीर भूरे, काले और सफेद पंखों से ढका होता है। ये पंछी अपने घोंसले का निर्माण अधिकतर छतों, पुलों या पेड़ों के खोखले में करते हैं। नर गौरैया पर घोंसले के निर्माण की जिम्मेदारी होती है और निर्माण के चरण के दौरान वे मादाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मादा गौरैया लगभग 3 से 5 अंडे देती है। दोनों माता पिता अंडे और चूजों की देखभाल करते हैं। गौरैया का बच्चा जन्म से 15 दिनों के बाद घोंसले को छोड़ देता है। इस पंछी का औसतन जीवन काल लगभग 4 से 5 साल तक हो सकता है। दुनिया भर में दर्जनों प्रकार की गौरैया की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका नाम पूरे विश्व परिवार के पंछियों में सबसे अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। इनकी आबादी दुनिया में बहुत तेजी से घट रही है। तो आपको अब गौरैया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, और आजकल के बच्चों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, तो हमें उन बच्चों को, अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बचाना चाहिए। और आज मैं गौरैया के लिए, ये देखिए बर्ड बॉक्स, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो ये करीब 175 का आया। तो ये वैसे मतलब हम अपने आप भी बना सकते हैं, तो लेकिन आज था गौरैया दिवस थी, तो मैंने इसलिए इमरजेंसी में इसको मंगाया ऑनलाइन, और इसको आज मैं लगाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे यहाँ पे बहुत सारी गौरैया मतलब है, 5-6 गौरैया दिखती हैं। तो उनका जो मौसम है फरवरी मार्च, ये जो है उनका अंडा देने का वक्त होता है, तो उनको वो इस तरह के घरौंदों को ढूंढती हैं, क्योंकि अब हम तो पक्के मकानों में रहते हैं, तो वहाँ पर ये सुविधा नहीं हो पाती है, तो हमें इस तरह के वर्ड बॉक्स जरूर लगाने चाहिए, और साथ में पानी के जो बाउल होते हैं वो भी रखने चाहिए। तो आइए मैं इसको लगाता हूँ। और अगर आपके घर के आसपास या घर में गौरैया दिखाई देती है या रहती है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो हमें अपनी प्रकृति बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटा सा प्रयास है मेरा। तो अब देखो, इसमें ईश्वर ने चाहा तो आएगी गौरैया, और गौरैया आएगी तो मैं इस तरह के वैसे जो है ना, और अपनी तरफ से बनाऊंगा, मैं है अपनी तरफ से भी ऐसे बनाऊंगा बर्ड बॉक्स, और हर तरह से रखूंगा। अब जरा यादों के झरोखों में झांक के देखो। पहले शक्ति भोग, आशीर्वाद, आटा नहीं हुआ करते थे। हमारी मम्मी गेहूं को साफ करके
उसका पीछना किया करती थी तो उनके आसपास वहीं गौरैया घूमा करती थी और दाना चुगा करती थी। यह दृश्य मेरे मन में आज भी विराजमान है, लेकिन वो अब सब कुछ खाली यादों में ही रह गया है। वह गौरैया का हमारे आसपास घूमना, वो मिट्टी में नहाना और कभी कभी पानी में नहाते हुए भी देखना गौरैया को, ये सिर्फ अब सिर्फ यादों में ही रह गया है। हमें वो सब चीज़ वापस लानी है, तो ये छोटे छोटे प्रयास हमें करते रहना चाहिए। अब मैंने ये बर्ड बॉक्स लगा दिया है। आशा है आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।